वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माई चैनल ड्रिष्टी पीसीएस. आज से एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके. इसमें मैं हफ्ते की रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज में न्यूज निकलती है सारे डिपार्टमेंट्स में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑल इंडिया लेवल की जॉब्स निकलती है, वो सारे जॉब्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और अच्छे से इसको करने की कोशिश करूं और आप तक सारी जॉब लाने की कोशिश करूं, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह आप लोग अच्छे से लग जाएं और जॉब करना स्टार्ट कर दें. मेरा यही मोटिव है. कुछ लोग होता क्या है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ जॉब निकली है. जो मेन मेन जॉब्स होती हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, इन्हीं में फंसे रहते हैं, बाकी वो उनको पता नहीं होता. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीडीएस की जॉब निकली हुई है. इसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है. लास्ट डेट इसकी है 8 जुलाई 2019. 417 कमीशन पोस्ट है. लेफ्टिनेंट की ग्रेजुएशन मांगा इसमें 18 से 23 साल होना चाहिए आर्मी और नेवी के लिए, और एयरफोर्स के लिए 18 से 24 साल होना चाहिए. फीस 200 है जनरल ओबीसी और एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, फीमेल और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फ्री है. बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत ही लेफ्टिनेंट बनने का, डायरेक्ट बनने का बहुत अच्छा चांस है. और थोड़ा सा लेवल ठीक होता है, यूपीएससी से थोड़ा नीचे होता है, बट आप लोग चाहें तो इसे क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन 1186 जूनियर असिस्टेंट 12th प्लस टैपिंग चाहिए इसमें एलिजिबिलिटी. एज लिमिट 18 से 40 वर्ष होना चाहिए. लास्ट डेट इसकी 20 जुलाई है. एग्जाम फीस 25 से 185. 25 जो हैंडीकैप्ड है पीडब्ल्यूडी है उनके लिए है, 185 अदर्स के लिए. सैलरी इसकी 5,200 से 20,200 पर मंथ है. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ पोस्ट 2189. सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एसएसए डाटा एंट्री वर्क है इसमें. ग्रेजुएशन विद टाइपिंग चाहिए इसमें. एज लिमिट 18 से 27 एज रिलैक्सेशन एज पर रूल होना चाहिए. एंड लास्ट डेट 21 जुलाई. एग्जाम फीस 250 से 500. ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है एग्जाम फीस. जो बेरोजगार हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए 500 भी बहुत ज़्यादा है. और सैलरी है गुड 25,000 सैलरी है. मतलब ये आप समझिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब है. तो ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, आप लोग चाहें तो फिल कर सकते हैं. नेशनल नैनीताल बैंक में 100 क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई हैं. ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है. एज होना चाहिए बिटवीन 21 से 27 और ये जो है ईयर 31/5/2019 31/5/2019 तक कितनी होनी चाहिए. 14 जुलाई 2019 इसकी लास्ट डेट है. एग्जाम फीस 1,000 रुपये है. बहुत ज़्यादा है इसकी एग्जाम फीस, बहुत ही ज़्यादा है. मतलब आप ये समझिए कि कितने स्टूडेंट बैठेंगे सबसे, 1,000 रुपये लेंगे और कितने सिलेक्ट होंगे, सिर्फ 100 सिलेक्ट करने हैं इनको. तो मुझे लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए और बहुत ज़्यादा है ये फीस तो. और सैलरी भी मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब जितनी ये फीस ले रहे हैं उस हिसाब से सैलरी 11,785 से 31,540 है. बिहार विधानसभा 23 रिपोर्टर वैकेंसीज. वेरी गुड जॉब. आप इस रिपोर्टर में, वो वाले रिपोर्टर मत समझिए जो टीवी एंकर रिपोर्टर्स होते हैं, वो रिपोर्टर्स नहीं है. इसमें एलिजिबिलिटी मांगी है ग्रेजुएशन टाइपिंग शॉर्ट हैंड. एज लिमिट है 21 से 37. लास्ट डेट है 19 जुलाई. एग्जाम फीस 600 है. 600 भी ज़्यादा है इसमें एग्जाम फीस, बट जिस लेवल की ये जॉब है इसकी बहुत ही हैंडसम सैलरी है. 5,300 से 1,67,800. तो बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है. इसमें रिपोर्टर का काम क्या होता है, जो भी विधानसभा में चल रहा होता है बस वो टाइप करना होता है, यही उनका रिपोर्टर का काम है. तो इसमें टाइपिंग शॉर्ट हैंड अच्छी आनी चाहिए. अगर आपको टाइपिंग शॉर्ट हैंड अच्छी आती हो तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, पावर भी बहुत है.
इंडियन आर्मी, देखिए इंडियन आर्मी में ये 10 जुलाई से 8 अगस्त तक, 10 जुलाई को शुरू होगी, 8 अगस्त तक चलेगी एनसीसी की भर्ती, जीएजी की भर्ती 16 जुलाई से शुरू होगी, 14 अगस्त तक चलेगी, और इंडियन आर्मी एसएससी टेक की जो भर्ती होगी वो 24 जुलाई से 22 अगस्त तक चलेगी। ये जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगी। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक, 600 असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है इसमें, मिनिमम एज जो होना चाहिए 21 से 28 ईयर, लास्ट डेट है इसकी 3 जुलाई, कल ही इसकी लास्ट डेट है, एग्जाम फीस 150 से 150 एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, 700 ऑल, और सैलरी है इसकी 23,700 से 42,020 पर सेल। इसकी जो फीस है वो काफ़ी हाई है, इसमें थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। दूसरा है एम्स रायपुर पोस्ट 200 नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग स्टाफ की है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी डिप्लोमा इन नर्सिंग कुछ भी किया हो इसमें चलेगा, बिटवीन 21 से 30 ईयर होनी चाहिए, लास्ट डेट है इसकी 21 जुलाई, एग्ज़ाम फीस है 800 से 1,000, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, और सैलरी है 44,900 से 1,42,400। वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, 99 स्टाफ नर्स ट्रेनी टेक्निकल एंड टीएनसी ग्रेड सी, एलिजिबिलिटी 12th पास प्लस नर्सिंग डिप्लोमा। इसके बाद एज लिमिट है 18 से 30, लास्ट डेट है 17 जुलाई 2019, एग्जाम फीस 200, सैलरी 31,852। आईबीपीएस आरआरवी रूरल बैंक आप जो भी उसको बोलना चाहें, तो 8,400 प्लस ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, ग्रुप बी ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ग्रेजुएशन बी टेक सी ए एल एल बी एम बी ए बी एस सी एग्री कोई भी भर सकता है, 18 to 40 ईयर्स, अप्लाई डेट 4 जुलाई, एग्जामिनेशन फीस जो है इसकी 100 एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी और 600 आप इसकी देखिए एग्जामिनेशन फीस है, और गुड सैलरी है पर 600 भी बहुत ज़्यादा है फीस। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन जी एस आर टी सी जिसको बोलते हैं, पोस्ट 93 क्लर्क, एलिजिबिलिटी 12th पास, एज लिमिट 18 to 30 ईयर, लास्ट डेट टू अप्लाई 10 जुलाई, एग्जामिनेशन फीस 250 वेल एंड गुड, और सैलरी है 10,000 पर मंथ। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर पोस्ट 34 हिंदी टाइपिस्ट जूनियर असिस्टेंट स्टेनो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पीए, एलिजिबिलिटी 12th प्लस स्टाफिंग ग्रेजुएशन पीजी, एज लिमिट है 18 to 27, 18 to 35, लास्ट डेट है 30, और इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, 1,000 जनरल फॉर ओबीसी एंड 600 एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी, और सैलरी है 19,900 से 1,42,400 रुपये पर मंथ। ठीक है, गुड है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए एक जो नेशनल काउंसिल बना है उसके लिए जॉब है, एन सी पी यू एल 60 MTS LDC और रिसर्च ऑफिसर RO, एलिजिबिलिटी 12th पास 10th पास टाइपिंग मास्टर डिग्री, एज लिमिट 10 to 25, 18 to 27, और RO के लिए 18 टू 40 है, लास्ट डेट है 29 जुलाई, एग्जामिनेशन फीस है 500 और सैलरी बहुत ही अच्छी है, 18,000 से लेकर 1,51,100। सोगर कैंटोमेंट ये MP में है, इसकी पोस्ट है देखिए आप 16 पंप अटेंडेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर असिस्टेंट मास्टर मिडिल स्कूल टीचर प्यून, एलिजिबिलिटी 12th पास प्लस ITI 12th डिप्लोमा BEd, एज लिमिट बिटवीन 18 to 30 ईयर, लास्ट डेट है 28 जुलाई 2019, एग्जामिनेशन नो फीस फॉर एस सी एस टी 200 फॉर अदर, सैलरी इज गुड 15,500 to 28,700। नेक्स्ट है एटोमिक एनर्जी एजुकेशन AEES 57 प्राइमरी टीचर्स लाइब्रेरियन TGT PGT एंड अदर्स, एलिजिबिलिटी 12th DE Ed ग्रेजुएशन BEd PG BEd डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, अपर एज लिमिट 30, 35, 30, 40 ईयर्स, ये सबके लिए अलग अलग है, लास्ट डेट है 20 जुलाई, एग्जामिनेशन फीस इसकी बहुत ज़्यादा है, गुड सैलरी है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली
post 45 resource person, CWSN graduation, eligibility criteria graduation, post graduation with diploma, 30 year for male, 40 year for female, age limit, last date है 10 जुलाई, exam की कोई भी fees नहीं है और salary बहुत अच्छी है 33,000 to 40,000 और यहीं से इसके अलावा इसकी जो डिटेल में है, डिटेल में आप employment news आती है और उसमें आप देख लीजिए, इसमें डिटेल में बाकी इसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या मांगा है और ऑनलाइन फॉर्म में आप जो पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम है लाइक एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी इसको आप गूगल पर डालेंगे तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी तो वहां से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इसको शेयर जरूर कीजिए और थोड़ा सा मोटिवेट मुझे कीजिए ताकि मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में जानकारी दे सकूँ। ये पहला वीडियो था, टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।